चल चल वे तू बंदे आ, उस गली ये जहां कोई किसी को न जाने। हेलो दोस्तों, जस्ट वीडियो देखा ना सॉन्ग का, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको कि सर रिलीफ, फाइनली इतने महीनों का टेंशन खत्म। या कुछ बच्चों को बुरा लग रहा होगा कि एग्जाम क्यों कैंसिल हुई, बहुत मेहनत की थी। एनीवेज दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसे वाले जो हमने कहावत सुनी है, क्योंकि हमारे हाथ में सिचुएशन थी नहीं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही और उस मोमेंट पे कुछ डिसीजन लेना भी जरूरी होता है। और फाइनली आ गया, चलो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते। लेकिन एक रूल याद रखना जो मैंने कल कहा था, हो जाना चाहिए था पेपर, है ना, 90+ तो आ जाते, इतना पढ़ा था, टाइम भी बढ़ गया था। रिलेटिव ने फोन किया तो ऐसे ही बोलने का, खुशी अपने तक, कल ही मैंने बताया। अब थोड़ा आगे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे कि सर ये तो चलो टेंशन कम हो गया, खत्म हो गया, और इतिहास की पहली बैच है जिसने ना तो 11वीं के पेपर दिए और ना तो 12वीं के पेपर दिए। मालिक, ये आपकी बैच अगले कुछ हजारों या 100 सालों तक तो याद रखी ही जाएगी। 11th मध्य गए सर, ऑनलाइन पेपर संपल, प्रमोट 12वीं, 12वीं में गए सर, खत्म। मतलब आपने नया स्ट्रीम सिलेक्ट किया और बिना एग्जाम के ही पास हो गए, ऐसे कभी देखा है ना भूतकाल में और ना भविष्य में, शायद देखोगे बिना। सो प्राउड या फिर कुछ यूनिक बात तो बनती है ना। दूसरी बात, ये होने के बाद अब ये टेंशन तुम्हारे दिमाग से टेंशन तो जाता नहीं। सवाल ये भी है मालिक, सर आता इवैल्यूएशन से काय, अगर उन्होंने प्रीलिम्स में से मार्क्स ले लिए सो ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। वो भी, उनको भी पता है कि बहुत बार बच्चे उतना सीरियस नहीं होते प्रीलिम्स पे, क्योंकि तब तो हमारी पढ़ाई चालू होती है एक्चुअली, मतलब तब टेंशन आता है कि अरे इतना बाकी, और बहुत सारे बच्चों तो क्रैश बैच ही तब ज्वाइन किया था मेरा, राइट, यस और नो। सो ये सारी बातें, तो उतना टेंशन मत लो। जो भी इवैल्यूएशन सिस्टम आएगा वो सिंपल ही रहेगा मेरे हिसाब से, तो भी जैसे 10th पे वो सीईटी एग्जाम ले रहे, वैसे अगर आपका 12th का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिए तो हम उसके भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही ले गए, राइट दोस्तों। ये तो हो गई नॉर्मल बात, तो मैं सारी अपडेट आपके साथ बताऊंगा, लेकिन कुछ दिल से बात करनी है वो मैं कर लेता हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस चैनल पे इतना प्यार दिखाया, AKCA पे इतना प्यार दिखाया, बहुत सारे 26,500+ सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमारी हो चुकी है। आई नो कि इंडिविजुअली मैं सबको नहीं जानता, बहुत बच्चों को जानता हूँ, बट आप मुझे तो जानते हो ना। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, जब जब वो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो या कोई भी बात हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। पिछले 2020 के करीब करीब जून जुलाई से ये सफ़र शुरू हुआ था, बहुत बच्चे आते गए, जुड़ते गए, और ना मेरा ऐसे कि ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन स्टूडेंट का प्यार और तुम्हारा जो मत है ना, कि जो तुम्हारे कमेंट्स है, जो तुम्हारे रिस्पॉन्स है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है मालिक। और मैं चाहूँगा कि ये चैनल आपको फ्यूचर में भी उतना ही यूज़फुल या हेल्प करे जितना अब तक आपको इसने हेल्प की हुई है, राइट। तो मेरा पूरा ये बोलते ना कि एक ट्राई रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, कि आई नो कि बहुत सारे बच्चों को मैं चेहरे से नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर नासिक में आप आए तो ज़रूर मेरे को, मतलब मुझे आप एक बार मिलना, राइट, पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा। भले आप कहना कि सर हम आपके यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, तो उतना तो मैं रिकॉग्नाइज कर ही लूँगा। और कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ चुके हैं, राइट, तो वो मतलब कभी लाइक्स आते हैं, कभी उनके फोटो आते हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा बहुत जानता ही हूँ। सो आप मुझे उस सोशल मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आप हो, छोड़ो मत उसे, वहाँ पे नए नए अपडेट आते रहेंगे बीकॉम से रिलेटेड एंड सो ऑन। सो मैं चाहता हूँ कि आपके जब तक पढ़ाई ना हो जाए, भले वो CA हो, CS हो, व्हाटएवर, उससे रिलेटेड भी हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे, और जितना हेल्प हो सके उतना मैं आपकी करूँगा। कुछ मैं कोर्सेज के भी बारे में सोच रहा था, जैसे मैंने लर्निंग और अर्निंग कहा था कि उस पर कुछ हो सकता है, का बहुत बड़ा काम चल रहा है, बट देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होता है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताना चाहता कि ये कोर्स कर लो, ये वाला मार्केटिंग वाला कोर्स कर लो, जिसमें इनिशियली ना मतलब होप्स तो मिल जाती है बच्चों को, लेकिन ना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, मतलब है ना कि इनकम नहीं मिलता, तो बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोस्तों फेयरवेल तो नहीं कह सकते, बट अब इसके बाद 12वीं का कौन सा लेक्चर आएगा, राइट, तो ऐसे लगता है ना, भले मतलब मेरे को तो इतना इमोशनल वो फील हो रहा है कि भले आप मेरे साथ नहीं थे, भले फेस टू फेस नहीं थे, बट आप लोगों से जो मैं जुड़ चुका था इतने दिनों से, और अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अरे इसके बाद कौन सा लेक्चर दूँ, मतलब रिवीजन ख़त्म, अपडेट ख़त्म। सो आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों से बात करना, कुछ कुछ टाइम टू टाइम आना, और ये बैच बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। तो
राइट सो दोस्तों, कहीं पे भी कुछ गलती हुई होगी, कभी भी कुछ चीज़ें हो सकता है बायसली अनबायसली, किसी ने कॉल किया होगा या मैसेज किया होगा, रिप्लाई नहीं आया होगा, उसके लिए सॉरी अगर किसी को ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया होगा, कॉल पिक नहीं कर पाया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ऐसे ही जुड़े रहो। आपके कोई कलीग्स रहेंगे, छोटे भाई बहन रहेंगे, तो बताओ कि इस चैनल से वो जुड़े और उनको भी हेल्प हो। सो इसी के साथ रुकता हूँ, चलो ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा ना आपका टाइम लूँगा, मज़े करो। अब एग्ज़ाम ऑफिशियली कैंसिल हो गई है, बहुत आगे जाओ जिंदगी में, और मुझे पता है तुम सब में उतना पोटेंशियल है कि तुम लोग बहुत ही आगे जाओगे, बहुत ही अच्छा करोगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। और दुआ में ज़रूर याद रखना दोस्तों, कभी भी कुछ रहा तो अमोल का असर वहाँ पे रहेगा आपके लिए। चलो अच्छे टाइम को याद मत करना, लेकिन बुरे टाइम में ज़रूर याद करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।